हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 21 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगे। आप हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से हर एक वीडियो लेक्चर की फ्री PDF भी अवेलेबल होगी। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, विच नेशन हैंडेड ओवर $1 million टू UN body फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज। किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के निकाय को $1 million दिए हैं? इसका आंसर चेक करें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज इंडिया। भारत ने यहाँ पे $1 million दिए हैं UN body को, जिससे कि पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज की हेल्प की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किशोर भीमानी पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। किशोर भीमानी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? इसका आंसर देखें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज क्रिकेट। वे क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एंड विच स्टेट गवर्नमेंट साइन पैक्ट टू सेटअप जिंक स्मेल्टर प्लांट। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और किस राज्य सरकार ने जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर देखें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज गुजरात। गुजरात की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ में ये पैक्ट साइन किया है। गुजरात के बारे में जाने, यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर। इसका फॉर्मेशन किया गया था 1 मई 1960 में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। राज्यसभा में यहाँ से 11 सीट्स हैं और लोकसभा में 26। पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ का 308 पर किलोमीटर स्क्वायर और लिटरेसी रेट है 78.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अक्कीथम पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच प्रोफेशन। अक्कीथम का निधन हो गया, वह किस पेशे से थे? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज पोएट। वे एक पोएट यानी कवि थे और मलयालम कवि थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी पार्टनर्ड विद बजाज अलियांस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर COVID-19। किस कंपनी ने COVID-19 के लिए अस्पताल में भर्ती बीमा पॉलिसी के लिए बजाज अलियांस के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर चेक करें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज फोनपे। फोनपे के साथ में बजाज अलियांस ने यह पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has approved the implementation of the strengthening teaching, learning and results for states, that is STARS project? राज्यों के लिए सुदृढ़ शिक्षण और परिणाम के कार्यान्वयन स्टार परियोजना को किसने मंजूरी दी? इसका आंसर देखें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज नरेंद्र मोदी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस योजना को मंजूरी दी है और ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में उसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज अमंग हाई बर्डन TB नेशंस, TB इज ट्यूबरक्लोसिस नेशंस, टू रजिस्टर 25-30% ड्रॉप इन केस नोटिफिकेशंस। मामले की सूचना दर्ज करने के लिए 25-30% ड्रॉप करने के लिए उच्च बोझ वाले टीबी देशों में कौन सा देश है? इसका आंसर देखें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज इंडिया। इंडिया ऐसा देश है जिसमें 25-30% का जो केस नोटिफिकेशन है टीबी के, उनमें ड्रॉप देखा गया है। और इंडिया अकेली ऐसी कंट्री नहीं है, इंडिया के साथ में इंडोनेशिया और फिलीपींस, इन दोनों देशों में भी ये ड्रॉप देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन was being observed on which date? ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जा रहा है? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज 15th of October। 15 अक्टूबर को यह दिन मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनिवर्सिटी बैक फर्स्ट रैंक इन इंडिया एज स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन फॉर फाइलिंग हाइएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स इन अ ईयर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेटेंट रैंकिंग्स? भारत सरकार की पेटेंट रैंकिंग के अनुसार किस विश्वविद्यालय ने भारत में एक साल में सबसे अधिक
पेटेंट भरने के लिए स्टैंड अलोन संस्थान के रूप में पहला रैंक हासिल किया? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जिसे फर्स्ट रैंक मिला है किस चीज़ में? सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल करने में। इन्होंने टोटल कितने पेटेंट फाइल किए हैं? 336। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ बिन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज इंडिया। इंडिया को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फिर से प्रेसिडेंट बना दिया गया है। इसके बारे में जाने तो इसे पेरिस फ्रांस में स्टैब्लिश किया गया था, एक मीटिंग हुई थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो उससे जस्ट पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्टैब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे गुरुग्राम हरियाणा में, और इसके डायरेक्टर जनरल है उपेंद्र त्रिपाठी। इसमें टोटल 121 मेंबर्स हैं। अब ये जो 121 कंट्रीज़ हैं, मोस्ट ऑफ देम बीइंग सनशाइन कंट्रीज़, तो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी अच्छी खासी आती है। विच लाय इधर कम्प्लीटली और पार्टली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन? तो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये या तो पूरे तरीके से या फिर इनका कुछ भाग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन दोनों के बीच में आता है जहाँ पे सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा होती है। ये जो अलायंस बनाया गया है, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस अलायंस इज़ टू वर्क फॉर एफिशिएंट कंजप्शन ऑफ सोलर एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं ना, लाइक पेट्रोल डीजल वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो उनके तो यूज़ को कम करना और सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड फूड डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर देखें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 16th of October। 16 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च्ड सेकेंड फेज ऑफ थैलेसीमिया बाल सेवा योजना? थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस योजना के सेकेंड फेज को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनटीपीसी सीएमडी, सीएमडी मींस चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह टर्म एक्सटेंडेड टिल विच ईयर? एनटीपीसी सीएमडी गुरदीप सिंह के कार्यकाल का किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? इसको आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज 2025। 2025 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री बैंड द इम्पोर्ट ऑफ एयर कंडीशनर्स विद रेफ्रिजरेटर्स? किस देश ने रेफ्रिजरेटर के साथ साथ एयर कंडीशनर के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज इंडिया। इंडिया ने एसी और फ्रिज, इन दोनों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर SC, दैट इज शेड्यूल कास्ट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम? किस राज्य मंत्रिमंडल ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर SC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी? इसका आंसर देखें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज पंजाब। पंजाब की गवर्नमेंट ने इस स्कॉलरशिप स्कीम को मंजूरी दे दी है। पंजाब के बारे में देखें तो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं यहाँ के VP सिंह बडनोर। लोकसभा में ऐसे 13 सीट्स हैं और राज्यसभा में 7 सीट्स। लिटरेसी रेट है यहाँ का 76.68%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भानु अथैया पास अवे, शी वॉज द विनर ऑफ विच अवार्ड? भानु अथैया का निधन हो गया, वह किस पुरस्कार की विजेता थी? इसका आंसर देखें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज ऑस्कर। इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला हुआ है, और ये पहली भारतीय थी जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। और ये जो पुरस्कार है, ये दिया गया था इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए फॉर हर वर्क इन 1982 फिल्म गांधी, इसके लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अटेंडेड द 4th G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग? 4th G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में किसने भाग लिया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज
निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस मीटिंग में भाग लिया। G20 के बारे में देखें तो G20 और ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटरनेशनल फोरम फॉर द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। तो इसके टोटल 20 मेंबर्स हैं, जिनमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। और इसे इस्टेब्लिश क्यों किया गया था, विद द एम टू डिस्कस पॉलिसी पर्टेनिंग टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त स्टेबिलिटी लाने के लिए, बेहतर फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। इसका फॉर्मेशन 26 सितंबर 1919 में किया गया था, और इसके जो करंट चेयरपर्सन है वो हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सॉद। ये सऊदी अरेबिया से हैं और ये इसके करंट चेयरपर्सन हैं। इसके टोटल मेंबर्स हैं 20, और उनके हम नाम देख लेते हैं। तो ये है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोरोबाई जेनेपकॉ रिजाइन, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन। सोरोबाई जेनेपकॉ ने इस्तीफा दे दिया, वे किस देश के प्रेसिडेंट थे, यानी राष्ट्रपति थे। इसका आंसर चेक करें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इन्हें हाल ही में 4 अक्टूबर को री इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान, बट वहाँ की जनता ने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया, जिसके चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल नॉट एक्सटेंड द न्यू स्टार्ट पैक्ट विद द यूएसए। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ में न्यू स्टार्ट संधि का विस्तार नहीं करेगा। इसका आंसर देखें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज रशिया। रशिया यूएसए के साथ में स्टार्ट जो पैक्ट है ये पहले का साइन किया हुआ है रशिया और यूएसए का, तो इसे फिर से स्टार्ट नहीं करेगा। स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये इसका पूरा नाम है। और इसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया था कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की एक लिमिट तक ही प्रोडक्शन कर पाएगा, लिमिट तक ही न्यूक्लियर वेपन्स को रख पाएगा। और इसके लिए रशिया ने हाँ की थी पहले, बट अब रशिया ने यह कह दिया है कि वो इस पैक्ट को और एक्सटेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट लॉन्च रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इनिशिएटिव। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की। इसका आंसर देखें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज दिल्ली। दिल्ली की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर से दें, ताकि वीडियोस को आपके लिए और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। अब मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें और सुरक्षित रहें।